Hello everyone, very good morning. It's 11th of January 2019 and welcome to Morning Dose by Learning Need. Yes, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. हम क्या करेंगे, हर डेली सुबह ही कुछ न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे. न्यू नहीं कह सकते, ओल्ड न्यू कंबाइंड करके एक पर्टिकुलर वर्ड पिक करेंगे और उसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, उसके जितने भी सिनोनिम्स होते हैं वो सारे हम आज यहाँ पे लर्न करेंगे. आज नहीं, एक्चुअली डेली लर्न करेंगे. जैसे आज मैंने यहाँ पे पिक कर रखा है एक वर्ड कंजूस. तो आपको पता है कि कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन और क्या क्या कहते हैं, इसके जितने भी पर्यायवाची यूनो होते हैं वो हम सब यहाँ पे देखेंगे. ये स्टार्ट क्यों किया है, देखिए यहाँ पे आज भी फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी और कल से तो फिर आपका वीडियो और भी शॉर्ट हो जाएगा. कभी भी ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, या फिर आप में से ही बताइए कितने लोग हैं जो पर्टिकुलर कभी डिक्शनरी उठा के 50 वर्ड 100 वर्ड लर्न करते हैं. साल में आपने कितने दिन ऐसा किया कि आपने एक बुक उठाई हो या डिक्शनरी उठाई हो और आपने 400 500 या 1000 वर्ड्स लर्न किए हों. कभी नहीं होता ऐसे, वर्ड मीनिंग हम कभी लर्न नहीं करते, कोई नहीं लर्न करता. स्पेशली इतनी बिजी लाइफ में जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जॉब भी कर रहे हैं आप में से कई सारे लोग. तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक वर्ड पिक करेंगे और वहाँ उसकी जितनी भी इंग्लिश मीनिंग होगी वो सारे वर्ड्स तुरंत सुबह के सुबह आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, सुबह ही लर्न कर लेंगे. कोई PDF नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि 50% लोग सिर्फ PDF लेके और उसको रख लेते हैं कि चलो तब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे, लेकिन वो टाइम कभी मिल नहीं पाता है अलग से. सो इसे अभी लर्न कर लेना है, बहुत ईजी है. आप सोचिए ना कि अगर आप एक दिन में सिर्फ 10 वर्ड्स लर्न करते हैं और मीनिंग भी नहीं, चूँकि एक ही मीनिंग के हम 10 वर्ड्स लर्न करेंगे, तो इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए. महीने में आप 300 वर्ड तो आप ऐसे ही लर्न कर लेंगे, बाकी जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो सब तो अलग चीज़ है. इंग्लिश तो आपकी यू नो वर्ड मीनिंग ऐसे ही ठीक हो जानी है, एंड एग्जाम में भी ऐसे ही पूछता है कि आपका एंटोनिम्स बहुत पूछता है, सिनोनिम्स बहुत पूछता है, तो ये आपका दोनों ही चीज़ उससे स्ट्रांग हो जाएगा. अब दोनों चीज़ कैसे स्ट्रांग होगा, सिनोनिम्स तो आपका इससे स्ट्रांग हो ही जाएगा, है ना. जैसे माइजर का अगर पूछ लिया गया तो ये सारे वर्ड्स उसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई पैसेज आया है उसमें पूछ लिया कि कौन सा वर्ड, इसी तरह से आता है एंटोनिम्स, ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड जो है वो माइजर का जो है एंटोनिम है. तो अगर आपको सारे सिनोनिम्स पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे कि भाई ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, जो बचा वही हो जाएगा. तो यानी कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा यूज़फुल है, एंड आपकी वैसे भी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. कभी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये सारे वर्ड्स हैं तो आपको यू नो पता होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो वर्ड पिक किया है मैंने कंजूस, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके वर्ड्स थे. चलिए स्टार्ट करते हैं. कल से मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगी आपको, तो ये थोड़ा सा वीडियो आपका और शॉर्ट हो जाएगा. आज फर्स्ट डे था सो बता दिया. मेरे साथ आपको इसको लर्न करते चलना है. तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है माइजर. आपको पता है कि कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइजर कहते हैं. और क्या कहते हैं, तो आपका है टाइट वॉट, ठीक है, टाइट वॉट. ये आपका कंजूस लोभी क्रिपड़ के रूप में यूज़ होता है. हंक्स, हंक्स को भी आप कंजूस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मक्की चूस के लिए यूज़ कर सकते हैं. स्क्रूज, ठीक है, स्क्रूज नहीं पढ़िएगा, स्क्रूज, ठीक है, स्क्रूज. स्पेलिंग देखते चलिए, ये आपके सेम मीनिंग हो जाएगी. चर्ल, ठीक है, चर्ल, इस तरह से पढ़ना है. ये इसका मेन जो है मीनिंग असभ्य भी होता है, लेकिन आप इसे कंजूस भी इसकी मीनिंग होती है. नेक्स्ट आपका स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट. निगर्ड, निगार्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, निगर्ड, निगर्ड बोलिए, दो तीन बार प्रोनाउंस कर लिया करिए. मक वॉम, मक वॉम. चेरी, मितव्ययी, कंजूस, चौकस, ये सारी मीनिंग्स इसकी आप देख रहे हैं सेम जा रही है. नेक्स्ट है आपका चर्लिस, ठीक है, चर्लिस, चर्लिश नहीं, चर्लिस, ठीक है, आपको ऐसे बोलना है. कॉस्टिव, कॉस्टिव. टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, फिस्ट मीन्स क्या होता है, मुट्ठी बांध, ठीक है, बंधी हुई मिट्टी, तो टाइट फिस्टेड. कहते हैं ना कि हाथ बांध के खर्च किया तब इतना खर्च हो गया, तो मतलब कि कंजूसी से खर्च किया, तो वही चीज़ है, ठीक है. क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, हार्ड फिस्टेड, सारे आपकी कंजूस के लिए यूज़ होते हैं. स्नीकी, स्नीकी, गुप्त के लिए भी यूज़ होगा, कंजूस के लिए भी यूज़ होगा. स्कैंट, स्कैंट. अनचैरिटेबल, अनचैरिटेबल, संग दिल, निर्दय, कंजूस, लोभी, क्रिपड़, कंजूस, सभी के लिए यूज होता है. हार्ड फिस्टेड, ये ऊपर था आपका टाइट फिस्टेड, देन हार्ड फिस्टेड, यहाँ रिपीटेड है, हार्ड फिस्टेड. चीज पैरिंग, चीज पैरिंग, सेम मीनिंग, क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड. अब इसको आपको मेरे साथ अभी के अभी लर्न कर लेना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो माइजर आपको पता है, आगे बढ़ते हैं.
टाइट वॉच, टाइट वॉच, ओके टाइट वॉच, दो तीन बार बोलिए याद हो जाएगा बिल्कुल. हंक्स, हंक्स, स्क्रूज, स्क्रूज, चर्ल, चर्ल, स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट, निगर्ड, निगर्ड, मक वॉर्म, मक वॉर्म, चेरी, चर्लिस, चर्लिस, कॉस्ट्यू, कॉस्ट्यू, टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, स्नीकी, स्नीकी के बाद है स्कैंट, स्कैंट, अनचैरिटेबल, हार्ड फिस्टेड एंड चीज पैरिंग, चीज पैरिंग, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड. अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं चीज़ों को बहुत ही स्लिपरी वे में कह रही हूँ, जैसे मैं स्कैंट की बजाय स्कैंट कह रही हूँ, है ना, तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं इसका रीज़न जो है वो मैं आपको बहुत समझा दूँगी, तो इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए. आप ऐसे प्रोनाउंस करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बोलना भी है चीज़ों को तो इस तरह से, जैसे आप पढ़ते हैं ना ABCD भी पढ़ते हैं. खैर ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जब मैं लूँगी तो उसमें बता दूंगी, ठीक है, अभी क्यों इस वीडियो को लॉन्ग करें. तो अभी आपने इतने वर्ड्स लर्न कर लिए, अगर आपको अभी तक नहीं लर्न हुए हैं तो आपको वीडियो में ही लर्न करना है, ये चीज़ अपने माइंड में मतलब सेट कर लीजिए. डेली आपको ये लर्न करना है, एक बार और देख लीजिए और लर्न कर लीजिए. और आपको ये शुरुआत जो है वो कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल हो सकती है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि यूज़फुल हो सकती है, इनफैक्ट बहुत यूज़फुल हो सकती है. तो आपको कैसी लगी है शुरुआत, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या मोटिवेशन मिलता है और भी बेटर करने का मोटिवेशन मिलता है. सो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आपको पता है आपको लाइक तो करना ही है, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक जो हम लोगों ने नई शुरुआत की है, आपके लिए एक नई शुरुआत की है, उससे ज़्यादा से लोग, ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ. और अगर आप इस मॉर्निंग डोज बाय लर्निंग नीड का हिस्सा बनना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय.